Hello everyone. So now we are going to see the Hindu editorial analysis for 17th and 18th of March. So this is my profile. I am based in Chandigarh and I am part of Capstone Learning. So I have been able to clear the prelim stage for 4 times and these are the marks that I scored. So let's begin. So today we are going to cover multiple choice questions for prelims. And these are the editorials: India's initiative to revive SAARC to fight coronavirus, and need for multilateralism in the time of global crisis. Next one is smart policing debate, and the other one is role of women in science. Guys, don't forget to check our prelims cash course at azurev.in. So this is the first article on cryptocurrency. So basically abhi RBI ne जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी क्रिप्टो करेंसी के यूज़ के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो हटा दी थी। अब हम देखते हैं कि प्रीलिम्स एंट्रिक इस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रीलिम्स 2018 के अंदर ये टर्म बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आया था, वनाक्राय, पेटिया और एटर्नल ब्लू, ठीक है। अब इसके अंदर भी एक ऑप्शन क्रिप्टो करेंसी मेंशन था, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो साइबर अटैक्स था। अब हम देखते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इथेरियम, स्टेलर और टीदर समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज आर रिलेटेड टू व्हाट। तो अब हमें पता लग गया कि ये बेसिकली क्रिप्टोकरेंसी है। जैसे बिटकॉइन एक क्रिप्टोकरेंसी है, वैसे इथेरियम, स्टेलर और टीदर ये भी क्रिप्टोकरेंसी ही है। लोकसभा पासिस अप्रोप्रिएशन बिल, तो ये आज के द हिंदू में आया है और स्पीकर के रोल के ऊपर यहाँ पे ये कहा गया कि स्पीकर अप्लाइड गुलोटीन ऑन द डिमांड्स ऑफ ग्रांट फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज। तो ये जो टर्म है गुलोटीन, इसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो बेसिकली जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो कुछ इस टाइप का बन सकता है। द टर्म गुलोटीन अपीयर्स इन द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ बजट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। The guillotine concludes the discussion on demand for grant. Second, unlikely closure, the guillotine to be applied is not preceded by any motion. Third, the Constitution of India provides for this provision. तो जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो बेसिकली ये जो डिस्कशन होती है डिमांड फॉर ग्रांट की हमारे बजट के अंदर, तो ये उसको कंक्लूड करता है। तो फर्स्ट इज राइट, अनलाइक द क्लोजर द गिलोटिन टू बी अप्लाइड इज नॉट प्रीसीडेड बाई एनी मोशन, इससे पहले कोई मोशन पास नहीं करनी पड़ती, तो दिस इज ऑल्सो राइट। अदरवाइज क्या होता है, अगर आप कोई डिस्कशन कर रहे हो तो डिस्कशन क्लोज करने से पहले आपको मोशन पास करनी पड़ती है। थर्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर दिस प्रोविजन, दिस पार्ट इज रॉन्ग, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं दे रखा, तो ये आता कहाँ से है, ये लोकसभा के जो रूल्स होते हैं बिजनेस के उसके अकॉर्डिंग जो है ये प्रोविजन है। सो द राइट आंसर इज डी, वन एंड टू ओनली। ये इसका कंप्लीट आगे एक्सप्लेनेशन है कि कैसे हर मिनिस्ट्री के जो डिमांड्स होती हैं उनको डिस्कस किया जाता है। अब इतना टाइम नहीं होता हमारे पार्लियामेंटेरियन के पास, इतना टाइम नहीं होता क्योंकि काफी ज्यादा मिनिस्ट्रीज होती हैं, काफी ज्यादा डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो किया क्या जाता है, स्पीकर जो है गिलोटिन की प्रोसेस अप्लाई करता है। बेसिकली जितने भी आउटस्टैंडिंग डिमांड्स फॉर ग्रांट हैं उनको एक साथ, चाहे वो डिस्कस हुए हो या नहीं डिस्कस हुए हो, उनके ऊपर वोटिंग हो जाती है पार्लियामेंट में, मतलब लोकसभा में। तो जब वोटिंग हो जाती है तो उस पूरे प्रोसेस को जो गिलोटिन टर्म बोलते हैं, और ऐसा किसके अंडर किया जाता है, लोकसभा के रूल्स हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल्स फॉर लोकसभा, तो ये रूल नंबर 291, इसके अंडर ये पूरी प्रोसीजर किया जाता है। तो आपको ये रूल 291, ये आपको मेंस के लिए अगर कोई क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है तो आप इस रूल का वहां मेंशन कर सकते हो। और आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं है, ये लोकसभा के रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। रोड प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू टू फेस बैरियर्स, तो एक तो पता होना चाहिए कि रोड प्रोजेक्ट्स जब चल रहे हैं तो उन पे अभी क्या क्या बैरियर्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ रुकावटें आ रही हैं, तो उन चीज़ों से रिलेटेड हम कैसे प्रीलिम का क्वेश्चन बनाएंगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल, द कंप्लीट कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज बोर्न बाय गवर्नमेंट, सेकेंड द डेवलपमेंट हैज द राइट टू कलेक्ट ऑल।
तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है, क्योंकि कंप्लीट कॉस्ट गवर्नमेंट कौन से मॉडल के अंडर लेती है? ईपीसी मॉडल। ओके, तो ईपीसी मॉडल के अंदर लिया जाता है वो। हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल के अंदर क्या होता है, इनिशियली गवर्नमेंट 40% कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट डाल देती है और 60% जो है वो डेवलपर मार्केट से लेता है। तो ये आपको जो डिफरेंस है ये मालूम होना चाहिए, ये मार्केट से आती है, ठीक है। वो लोन लेके जैसे भी करके वो अपना काम चलाता है, और डेवलपर के पास इस मॉडल के अंदर राइट टू कलेक्ट टोल नहीं होता। ये मोस्टली अब तो जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI जो है वही टोल कलेक्ट करती है, वही टेंडर जो है वो निकालती है टोल कलेक्शन के लिए। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग एंड डी इज द राइट आंसर। तो ये इसका कंप्लीट आगे एक्सप्लेनेशन है कि कैसे हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल बेसिकली बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल और ईपीसी मॉडल दोनों को मिला के बनाया गया है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट इनिशियली 40% जो है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है फर्स्ट 5 ईयर्स के अंदर, और रेस्ट जो है वो पैसा आपको मतलब डेवलपर को मार्केट से उठाना पड़ता है। और ये प्रोविजन लेके आया था क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा था कि काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो है वो रुक गए थे, कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा था। ये 5 साल से पहले का प्रोविजन था, तब ये मॉडल जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसके जो रिजल्ट्स आए हैं काफी फ्रूटफुल रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ इश्यूज आ गए हैं इस मॉडल के अंदर, और उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल हमें कुछ बता रहा है। बीटी कॉटन ओनली इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन स्टडी। तो बीटी कॉटन के ऊपर जो है ये एक आर्टिकल आया है जो कह रहा है कि बीटी कॉटन के इंट्रोडक्शन के बाद सिर्फ कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है वो इंक्रीज हुआ है और इसका बेनिफिट ज्यादा नहीं हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि प्रीलिम्स में किस टाइप से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। बेसिकली 2018 के अंदर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड के ऊपर क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था। अब हमें अगर बीटी कॉटन के ऊपर क्वेश्चन बनाना हो तो वो कुछ हम इस टाइप से बना सकते हैं। इट हैज बीन डेवलप्ड ज्वाइंटली बाय IARI एंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो ये पिछले वाले क्वेश्चन से उठा के एज इट इज ये स्टेटमेंट इसमें डाल दी गई है। सेकंड, इट हैज बीन फाउंड दैट पिंक बोलवॉर्म हैज डेवलप्ड द रेजिस्टेंस एंड बीटी कॉटन इज स्ट्रगलिंग टू स्टॉप इट्स स्प्रेड। ठीक है। थर्ड, द टोटल एकरेज अंडर बीटी कॉटन हैज इंक्रीज्ड इन 2019 एज कंपेयर टू 2018। तो अब ये तीनों स्टेटमेंट है। अब ये स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी IARI इनका कोई रोल नहीं था बीटी कॉटन के डेवलपमेंट में। तो बेसिकली बीटी कॉटन की रिसर्च भी इंडिया में नहीं हुई थी, ये बाहर से जो है ये कंपनी इंडिया के अंदर लेके आई थी और तब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। ये रिसेंटली प्रॉब्लम आ गई है कि जो पिंक बोलवॉर्म है उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, और जिस वजह से बीटी कॉटन जो है अब अभी आपने सुना होगा कि 1 साल पहले काफी जो है कॉटन की क्रॉप काफी डैमेज हो गया था, वो पिंक बोलवॉर्म की वजह से ही हुआ था। थर्ड स्टेटमेंट, 2019 के अंदर एरिया जो है बीटी कॉटन के अंडर जितना आता है वो इंक्रीज हुआ है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज राइट। अब हम इसको देखते हैं, सो सी इज द राइट आंसर। ये इसकी कंप्लीट आगे एक्सप्लेनेशन है कि कैसे जो है 93% पे पहुंच गया है। पहले जो है 3 ईयर्स पहले तक 90% पे आ गया था, तो इंक्रीज हुआ है ये, और ये बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर से ये इंफॉर्मेशन ली गई है। अब 2002 के अंदर मोसेंटो एंड मोहाको इन्होंने जो है बीटी कॉटन को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। तो ये इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट का कोई भी इस चीज़ से लेना देना नहीं है, और ये ईयर आपको ध्यान रखना पड़ेगा 2002, तब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया के अंदर। अब इसके अंदर कुछ इश्यूज हैं, उस आर्टिकल में वो मेंशन थे। अब बीटी क्रॉप के अंदर क्या इश्यूज थे कि कॉस्ट ऑफ सीड वो इंक्रीज हो गई है, कॉस्ट ऑफ इंसेक्टिसाइड्स वो इंक्रीज हो गई है, लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, और बीटी कॉटन इज स्ट्रगलिंग टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ पिंक बोलवॉर्म। ये इंफॉर्मेशन इसी आर्टिकल में मेंशन था। अब
ऐसा भी बोला जा रहा है कि कॉटन प्लांट्स आर हाईली वल्नरेबल टू अदर इंसेक्ट्स एंड पेस्ट दैट प्रोलिफरेटेड एज मोर एंड मोर फार्मर्स अडॉप्टेड बीटी कॉटन। तो ये प्रॉब्लम जो है ये नई प्रॉब्लम है। बेसिकली बीटी कॉटन आने की वजह से बाकी वेराइटीज को नीचे रखा जा रहा है, तो इकोलॉजिकल हेल्थ जो एक फार्म की होती है उसको डैमेज पहुंच रहा है। इस वजह से वो वल्नरेबल हो गए हैं इंसेक्ट्स और पेस्ट से। तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। वी नीड टू प्लान ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज दैट आर बेस्ट सुटेड फॉर आर इकोसिस्टम, सोयल, वेदर, क्लाइमेट चेंज एंड रूरल एग्रेरियन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। तो बेसिकली अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो ये सॉल्यूशन है कि कैसे हमें सस्टेनेबल मेथड्स को इम्प्रूव लाना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर हम बीटी कॉटन यूज़ भी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ जो है आपको और ज़्यादा सस्टेनेबल मेथड्स को यूज़ करना पड़ेगा ताकि जो है हम अपने फार्म की, अपने सोयल की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। ट्वीक्स इन सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर कुछ चेंजेस लाए गए हैं, तो ये आर्टिकल उसी चीज़ पे बेस्ड है। तो बेसिकली सुकन्या समृद्धि योजना का लॉन्चिंग ईयर आपको एक तो मालूम होना चाहिए। तो सुकन्या समृद्धि योजना कब लॉन्च की गई थी? इट वॉज लॉन्च्ड इन 2015। तो ये एक तो इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए। अब स्कीम के प्रोविजंस क्या हैं? द स्कीम अलाउज पेरेंट्स टू मेक बिटवीन 250 रुपीज एंड 150,000 एज डिपॉजिट पर ईयर एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8.4% पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ 14 ईयर्स। 14 ईयर्स या 15 ईयर्स तक आप पेरेंट्स जो हैं, गर्ल चाइल्ड के पेरेंट्स जो हैं, 250 रुपीज मिनिमम से लेके 150,000 तक डिपॉजिट करा सकते हैं हर साल अकाउंट के अंदर, और ये 14 ईयर्स तक आप इसको रख सकते हो। अब इसका मैच्योरिटी टाइम कब है? जब लड़की, जब वो गर्ल चाइल्ड 21 ईयर्स की हो जाएगी तब ये मैच्योर हो जाएगा। तो ये 21 ईयर्स इसका मैच्योरिटी टाइम है। अब कुछ प्रोविजंस जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं वो ऐसे हैं। पहले क्या होता था कि अगर डिपॉजिटर मिनिमम पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.4 था वो उसे नहीं मिलता था। ठीक है, इफ द डिपॉजिटर वॉज नॉट एबल टू मेंटेन द मिनिमम पेमेंट देन ही वॉज नॉट गिवन द बेनिफिट ऑफ 8.4% इंटरेस्ट रेट। अब रिसेंट जो चेंजेस, जो रूल्स के अंदर चेंजेस किए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर वो डिफॉल्ट हो जाता है, अगर वो मेंटेन नहीं कर पाता मिनिमम अमाउंट, तो भी 8.4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मिलेगा डिपॉजिटर को। तो ये एक अच्छी चीज है। अब इसके अलावा कुछ और चेंजेस लाए गए हैं। जैसे पहले प्रोविजन होता था कि इफ देर इज सम मेडिकल इमरजेंसी, ओके, और वो मेडिकल इमरजेंसी सिर्फ दो केसेस के अंदर ही मानी जाती थी, जैसे डेथ ऑफ गर्ल चाइल्ड और चेंज इन हर रेजिडेंसी स्टेटस। सो दो केसेस के अंदर ही प्री मैच्योर क्लोजर का सिस्टम अलाउड था। प्री मैच्योर अकाउंट क्लोजर वॉज अलाउड ओनली इन 2 केसेस। नंबर 1, डेथ ऑफ गर्ल चाइल्ड और चेंज इन हर रेजिडेंसी स्टेटस। अब रिसेंटली इसके अंदर चेंजेस लाए गए हैं और ज़्यादा कंपैशनेट ग्राउंड्स को इसमें ऐड किया गया है कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, इन दैट केस ऑल्सो प्री मेच्योर क्लोजर्स आर अलाउड। तो ये एक अच्छा प्रोविजन है। तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है और वो पैसे का यूटिलाइजेशन कर सकता है डिपॉजिटर जब उसको ज़रूरत है। तो ये रीसेंट जो चेंजेस हैं इसको आपको ध्यान रखना है। अब प्रीलिम्स 2017 के अंदर नेशनल पेंशन सिस्टम के ऊपर कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था और इसके जो ऑप्शंस थे ये इन डेप्थ ऑप्शंस थे, बिल्कुल प्रिसीजन प्रिसाइज आपको नॉलेज चाहिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ईयर आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये उसमें था, फिर बेनिफिशरीज के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए आपको। अगर हम देखें 2017 से रिलेटेड उस जैसा कुछ इस टाइप से क्वेश्चन हम बना सकते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सुकन्या समृद्धि योजना। द स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन ईयर 2015, ये हमने अभी देख लिया है, दिस इज करेक्ट। ओनली गर्ल्स बिटवीन द एज ऑफ 10 एंड 21 आर एलिजिबल अंडर दिस स्कीम। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि 10 जो है मैक्सिमम लिमिट है,
means if the girl is below 10 years of age, then her parents can open that account. अगर लड़की 10 साल से बड़ी हो जाती है तो लड़की के पेरेंट्स वो अकाउंट नहीं ओपन कर सकते. इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर ओपनिंग एन अकाउंट इज ₹1000. तो ये जो है ये भी गलत है. हमने अभी देख लिया कितना है, ₹250. तो इसको देखते हुए ए इसका सही आंसर है, ओनली वन. अब ये इसके पूरे प्रोविजन है कैसे जो है इस स्कीम के अंडर गर्ल ऑफ एवरी इकोनॉमिक स्ट्रेटा अंडर 10 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, इज एंटाइटल्ड टू ओपन सुकन्या समृद्धि अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस और इन बैंक. पोस्ट ऑफिस या बैंक के अंदर यह अकाउंट खोला जा सकता है. ओनली पेरेंट्स और लीगल गार्जियंस ऑफ द गर्ल चाइल्ड कैन ओपन अ सुकन्या समृद्धि अकाउंट. सिर्फ जो पेरेंट्स होंगे या फिर गार्जियंस होंगे वही जो है इस अकाउंट को खोल पाएंगे. द गर्ल चाइल्ड शुड बी लेस देन 10 ईयर्स ऑफ एज एट विच एट द टाइम ऑफ ओपनिंग एन अकाउंट, ओके, विच विल बी ऑपरेटिव टिल द गर्ल रीचेस द एज ऑफ 21 ईयर्स. 21 साल की होने तक ये अकाउंट ऑपरेटिव रहेगा, उसके बाद ये काम नहीं करेगा. फिर इसमें जब पैसा नहीं डाला जा सकता. और मिनिमम अकाउंट इतना है, मिनिमम अमाउंट इतना है और मैक्सिमम अमाउंट 150,000 है. अब एक और प्रोविजन है इसके अंदर कि एक लड़की के नाम पे सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जा सकता है, क्योंकि 8.4% रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी अच्छा अमाउंट है और कोई मिसयूज ना करे, इसलिए यह प्रोविजन रखा गया है 8.4% रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, फ्रॉम वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग टू रियल लीडरशिप. तो बेसिकली जो इंडियन गवर्नमेंट का रीसेंट इनिशिएटिव है साक को यूनाइट करने का और एक जॉइंट एफर्ट लेके आने का कोरोना वायरस को रोकने के लिए, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है. तो अब हम इसको देखते हैं कि क्या इसके अंदर प्रीलिम्स एंट्रिक इन्फॉर्मेशन है. तो प्रीलिम्स 2016 के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया था इंडिया अफ्रीका समिट के ऊपर, वैसा ही सार्क के ऊपर भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है. द आइडिया ऑफ सार्क वॉज इनिशिएटेड बाय नेहरू इन 1951. तो ये स्टेटमेंट एज इट इज मैंने पिछले वाले क्वेश्चन की उठा के यहां पे डाली है. तो यूपीएससी ने ये स्टेटमेंट डाली थी, तो दिस इज रॉन्ग. ओके, 1951 में नेहरू जी ने कोई ऐसा जो है इनिशिएटिव नहीं लिया था. मालदीव्स वॉज द लास्ट कंट्री टू बिकम पार्ट ऑफ सार्क. अगेन दिस इज रॉन्ग. अगर ये आर्टिकल आपने पढ़ा है तो उसमें भी मैंशन है अफगानिस्तान. ओके, अफगानिस्तान वॉज द लास्ट. कब? 2007 के अंदर. 2007 के अंदर अफगानिस्तान जो है सार्क का लास्ट मेंबर बना था. अब ये इसकी कंप्लीट डिटेलिंग है. अभी रीसेंट इनिशिएटिव के अंदर सार्क को एक न्यू लीज ऑफ लाइफ मिल गई है, ठीक है. और ये मोदी सार्क इनिशिएटिव जो है ये लार्जली किस पे डिपेंड करता है? ये इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है कि इंडिया कैसे परफॉर्म करेगा इसके अंदर, क्योंकि इंडिया इज अ डोमिनेंट पावर इन दिस रीजन. ये इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसकी विलिंगनेस पे डिपेंड करेगा कि कैसे पूरे प्रोविजन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, कैसे जो है कोरोना के अगेंस्ट अगर फाइट सबको करनी है तो कैसे उसे इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से किया जाए. जब आप किसी चीज को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हो तो उसके अंदर एफिकेसी आ जाती है, एफिशिएंसी आ जाती है. तो ये एक अच्छी चीज है. अब इसके अंदर एक टर्म दे रखी है इस आर्टिकल के अंदर, हेजीमोनिक स्टेबिलिटी. ओके, तो हेजीमोनिक स्टेबिलिटी बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस में इसका मतलब होता है कि कोई रीजन, कोई इंटरनेशनल सिस्टम इज मोर लाइकली टू स्टेबल व्हेन अ सिंगल नेशन स्टेट इज द डोमिनेंट वर्ल्ड पावर. ओके, सो इस केस के अंदर साउथ एशिया में इंडिया जो है वो डोमिनेंट पावर है, बाकी कंट्रीज इंडिया के स्टेचर को मैच नहीं कर सकते. तो साउथ एशियन जो रीजन है उसके अंदर इंडिया एक डोमिनेंट पावर है. तो इस तरीके से ये हेजीमोनिक स्टेबिलिटी, इंडिया जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई चीज हो, हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज हो, तो पूरे रीजन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है. इसलिए इंडिया का जो ये इनिशिएटिव है उसको हेजीमोनिक स्टेबिलिटी के रूप में देखा जा रहा है.
क्योंकि इंडिया एक सिंगल ऐसी पावर है जो पूरे के पूरे सिस्टम, पूरे के पूरे साउथ एशियन इकोसिस्टम को मैनेज कर सकता है। और साथ साथ हमें ये देखना है कि क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, जो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हुई थी उसके अंदर क्या ऐसे इनिशिएटिव थे जो हमें मालूम होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एमरजेंसी फंड फॉर सार्क कंट्रीज, और उसके अंदर इंडिया ने प्रपोज किया है कि इंडिया विल पुट $10 मिलियन जो एमरजेंसी फंड बनेगा सार्क कंट्रीज के लिए, और ताकि वो तरीके से कोरोना वायरस के अगेंस्ट फाइट कर सकें। उसके लिए इंडिया ने जो ये फंड प्रपोज किया है, और उसके अंदर इंडिया ने कहा है कि इंडिया विल पुट $10 मिलियन, तो ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। और इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ रैपिड रिस्पॉन्स टीम, ठीक है, रैपिड रिस्पॉन्स टीम के अंदर होगा कौन कौन, डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट, टेस्टिंग इक्विपमेंट, अटेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो लोग सब मिलके जो है एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम का पार्ट बनेंगे। अब इंडिया जो है, इंडिया के अंदर डॉक्टर्स भी बाकी कंट्रीज से ज़्यादा होंगे, इंडिया मैन फोर्स भी ज़्यादा प्रोवाइड कर सकता है, इंडिया खुद भी फार्मास्यूटिकल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, फार्मा ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया के जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो सबसे स्ट्रांग है यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के लिए। अगर फार्मास्यूटिकल्स इंडिया प्रोवाइड कर सकता है तो सार्क कंट्रीज के लिए भी इंडिया प्रोवाइड कर सकता है। तो ये जो इनिशिएटिव है इंडिया का, दिस इज पार्ट ऑफ सॉफ्ट पावर, तो ये हमारी सॉफ्ट पावर का एक हिस्सा है, सॉफ्ट पावर का एक हिस्सा है मेडिकल डिप्लोमेसी। तो इसको हम मेडिकल डिप्लोमेसी लिख सकते हैं कि कैसे इंडिया का ये जो इनिशिएटिव है ये मेडिकल डिप्लोमेसी का पार्ट है, कि कैसे हम अपनी स्ट्रेंथ को यूज कर रहे हैं पूरे रीजन के अंदर गुडविल को जनरेट करने के लिए। अब इंडिया का स्टांस क्या है कि कैसे ये सब कंट्रीज, अभी तक जो है प्रॉब्लम कहाँ आती है, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की वजह से सार्क के अंदर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता। अब अगर हमें अपना कॉमन फ्यूचर देखना है सभी कंट्रीज को, तो इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड दैट वी शुड कम टुगेदर, वी शुड कोलैबोरेट टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। और सभी कंट्रीज के अंदर जो है कोरोना वायरस का डर है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि ये इंडिया के पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया इनको लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता है, एक पार्टनरशिप बना सकता है ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड डेस्टिनी। तो ये टर्म्स आप याद रखेंगे, क्योंकि इसी टर्म्स का यूज करके आपके मेंस के आंसर को आप इफेक्टिव बना सकते हो कि कैसे जो ये अपॉर्चुनिटी है इसको इंडिया यूज कर सकता है एक शेयर्ड डेस्टिनी को बनाने में। अब सार्क के अंदर, सार्क बना कब था उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी इस आर्टिकल में मेंशन है कि सार्क को 1980s में बनाया गया था, और जियाउर रहमान बांग्लादेश के जनरल थे, उनका इनिशिएटिव था ये, उन्होंने प्रपोज किया था तब। ये अफगानिस्तान लास्ट मेंबर बना था 2007 के अंदर, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन रिसेंटली हुआ क्या है कि 35 ईयर्स के पूरे होने के बाद भी सार्क उतना इफेक्टिव नहीं रहा एज कंपेयर टू अदर रीजनल ब्लॉक्स। अगर यूरोप को आप देखते हो, यूरोपियन यूनियन बहुत इफेक्टिव है, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को आप देखो, उनका जो ब्लॉक है वो बहुत इफेक्टिव है, बट जो सार्क ब्लॉक है वो सबसे कम इंटीग्रेटेड है, लीस्ट इंटीग्रेटेड इन द वर्ल्ड, तो वो प्रॉब्लम है। तो ये भी एक कहा जा रहा है कि ये जो इंडिया का रिसेंट इनिशिएटिव है, क्या हम पूरे सार्क को एक साथ ला सकते हैं, कैन वी यूनाइट सार्क, कैन वी रिवाइव सार्क, तो ये एक अच्छा स्टेप माना जा रहा है। अब इसके अंदर एक और डिबेट आती है कि बिम्स्टेक वर्सेस सार्क, तो ये डिबेट है क्योंकि अभी रिसेंटली ये देखा गया था कि इंडिया जो है बिम्स्टेक को काफी ऊपर लेके जा रहा है, बिम्स्टेक को काफी प्रमोट कर रहा है इंडिया, और सार्क के अंदर काफी सिस्टम खराब है, क्योंकि लास्ट अगर आप सार्क समिट की बात करो तो वो नवंबर 2016 में हुआ था, उसके बाद अब तक सार्क समिट नहीं हुआ, रीजन बीइंग उरी में अटैक हुआ था तब। तो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इज द मेन रीजन व्हाई वी आर नॉट प्रमोटिंग सार्क, और विच इज द रीजन फॉर द फेलियर ऑफ सार्क।
तो पाकिस्तान के साथ इंडिया की जो प्रॉब्लम है वो मेन रीजन मानी जा रही है कि सार्क आगे नहीं जा पा रहा। अब इसके अंदर और भी प्रॉब्लम है, जैसे लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन मैंने आपको बता दिया एक ये है, और अगर हम साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें, फ्री ट्रेड जोन की बात करें, तो वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, वो सिर्फ पेपर्स में एग्जिस्ट करता है। तो अगेन ड्यू टू लैक ऑफ विल, ड्यू टू प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, इसीलिए हमारा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं हो पाया, और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा इस वजह से जो है डिप्लोमेटिक और बाकी जो रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस विद इन सार्क नेशंस, वो इतने अच्छे नहीं हैं एज कंपेयर टू अदर रीजन्स। अब इसके अंदर हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि कैसे हम, हाउ सीरियस वी आर रिगार्डिंग सार्क। अगर हम सार्क के ऊपर इंडिया की सीरियसनेस को क्वेश्चन करें, तो उससे आप ये रिलेशन निकाल सकते हो कि अभी रिसेंटली एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये क्वेश्चन पूछा कि व्हाई इंडिया इज स्टिल अ मेंबर ऑफ सार्क, कि इंडिया अभी भी सार्क का मेंबर क्यों है। ओके, ये पार्लियामेंट में पूछा जा रहा है। एंड अदर क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग बिम्स्टेक, कि बिम्स्टेक के क्या स्ट्रेंथ हैं, कैसे बिम्स्टेक का इंडिया को फायदा होगा, शुड इंडिया एंगेज विद बिम्स्टेक कंट्री ओनली एंड वी शुड फॉरगेट अबाउट सार्क। तो इस तरीके के जब क्वेश्चंस आपके पार्लियामेंट में पूछे जा रहे हैं, इट शोज दैट हाउ सीरियस वी आर विद सार्क। तो सार्क धीरे धीरे हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से गायब होता जा रहा है, तो ऐसा कहा जा रहा है इस आर्टिकल में। अब ये ऐसा मौका है इंडिया के पास कि इंडिया जो है सार्क को फिर रिवाइव कर सकता है। तो ये है कि कैसे इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट ने अंडरमाइन किया है पूरे सार्क को। अब इसके ऊपर एक और भी रीजन है कि क्यों इंडिया और पाकिस्तान एक साथ नहीं आ पा रहे, क्योंकि सार्क के अंदर जो भी डिसीजन लिया जाता है दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनैनिमिटी, द ऑर्गेनाइजेशन रिलाइज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनैनिमिटी, कि जब तक सभी मेंबर कंट्रीज एग्री नहीं करेंगे तब तक डिसीजन नहीं लिया जाएगा। और इसको ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान हमेशा ही इसके अंदर कुछ ना कुछ हर्डल क्रिएट कर देता है, इसलिए सार्क को अंडरमाइन किया जा रहा है। तो ऐसा अब कहा जा रहा है कि टाइम हैज कम कि हम लोग सब लोग साथ आके काम करें, पूरा ब्लॉक कोरोना वायरस के अगेंस्ट, एंड इंडिया कैन लीड दिस एफर्ट, इंडिया कैन प्रोवाइड द लीडरशिप। इफ इंडिया इज नॉट अ लीडर इन इट्स ओन रीजन, हाउ कैन वी क्लेम दैट वी आर ए वर्ल्ड पावर। तो अगर इंडिया को वर्ल्ड पावर बनना है तब भी सार्क को यूनाइट करना, रीजनल सिस्टम को रिवाइव करना इंडिया के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इंडिया की क्रेडिबिलिटी ग्लोबल स्टेज पे बढ़ा देता है। तो इसलिए सार्क का रिवाइवल इंडिया के लिए फ्रूटफुल है, और जो इनिशिएटिव रिसेंटली अभी लिया गया है वो वेलकम इनिशिएटिव है। रिवाइवल ऑफ मल्टीलेटरलिज्म स्टीयर्ड बाय इंडिया, तो श्याम शंकर जो हैं ये पहले इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, इन्होंने ये आर्टिकल जो है ये लिखा है हिंदू के अंदर। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या इन्होंने इंडिया के लिए सजेस्ट किया है। अब अगर हम मेंस का क्वेश्चन देखें तो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन हम बना सकते हैं, इंडिया इज हेडिंग टूवर्ड्स मल्टीलेटरलिज्म इन इट्स फॉरेन पॉलिसी, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, कमेंट। तो उसका आंसर आपको इस आर्टिकल में मिलता है। सेकेंड, विल कोरोना थ्रेट फर्दर इंक्रीज द पेस ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन, कमेंट, कि क्या कोरोना थ्रेट जो है वो फर्दर जो डी ग्लोबलाइजेशन की पेस है उसको इंक्रीज कर देगा। तो द आर्टिकल सेज दैट द कोरोना आउटब्रेक हैज हाइलाइटेड टू रियलिटीज, तो दो रियलिटी हमें यहां सामने आई हैं। पहली रियलिटी क्या है कि इस प्रॉब्लम की कोई नेशनल बाउंड्री नहीं है, द होल वर्ल्ड हैज टू फाइट फॉर इट। इस प्रॉब्लम की कोई नेशनल बाउंड्री नहीं है। आपको ये कैसे पता लगता है, प्रॉब्लम चाइना से स्टार्ट हुई थी, फिर इटली, फिर यूरोप, फिर ईरान,
अब साउथ एशिया के अंदर भी केसेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं, तो कोई नेशनल बाउंड्री नहीं है और इसका कोई नेशनल सॉल्यूशन भी नहीं है। अगर आपको रोकना है तो वो पूरे वर्ल्ड को एक एफर्ट मारना पड़ेगा। अब सेकंड, इसके अंदर ये बात सामने आती है कि दीज चैलेंजेस आर क्रॉस डोमेन इन नेचर, मतलब एक डोमेन तक ये नहीं रुकते। क्रॉस डोमेन कैसे, कि कैसे हेल्थ सिक्योरिटी और सोयल हेल्थ और इंटरनेशनल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी सब कुछ इंटर रिलेटेड है। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स मे प्रमोट फूड सिक्योरिटी बट हैव इंजूरियस हेल्थ इफेक्ट्स अंडरमाइनिंग द हेल्थ सिक्योरिटी। तो कैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स, टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स वो फूड सिक्योरिटी तो प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन हेल्थ सिक्योरिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को वो वीक कर रहे हैं, और जहां इम्यून सिस्टम वीक होता है वहीं पे कोरोना अटैक करता है, वहीं पे कोरोना जो है नुकसान पहुंचाता है सबसे ज्यादा। तो इसलिए हमें पूरे वर्ल्ड को इंटर डोमेन लिंकेजेस को समझना पड़ेगा कि एक सिंगल डोमेन तक जो थ्रेट है वो कन्फाइंड नहीं है, मल्टीपल डोमेन में फैला हुआ है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी यही रिफ्लेक्ट करते हैं कि देयर शुड बी अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस पॉइंट दैट अब जो थ्रेट है वो मल्टीपल उसके पैरामीटर्स हैं, क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, ये सब इंटर रिलेटेड है। अब द आर्टिकल फर्दर सेज राइज ऑफ नेशनलिज्म। अच्छा, अभी जो सिचुएशन है वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि एक ऐसे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनाइटेड नेशन, WTO, दीज आर कॉल्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट गवर्नेंस जो है इन सबको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, इन सबको एम्पावर करने की जरूरत है ताकि प्रॉब्लम को एक यूनिफाइड एफर्ट के साथ सॉल्व किया जा सके। बट रिसेंटली जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो इसके ऑपोजिट जाती हैं। अगर हम पूरे ट्रेंड को समझें तो वर्ल्ड ओवर नैरो नेशनलिज्म को लेके काफी अपसर्ज है, काफी बढ़ावा दिया जा रहा है, राइट विंग हर जगह एक्टिव हो गया है। अब उनके पैरोकियल इंटरेस्ट होते हैं, नैरो इंटरेस्ट होते हैं, और वो जो है शेयर्ड इंटरेस्ट को ओवर पावर कर देते हैं, ग्लोबल इंटरेस्ट को ओवर पावर कर देते हैं। कैसे, अब कंपटीशन को प्रमोट किया जा रहा है, प्रोटेक्शनिज्म को प्रमोट किया जा रहा है और कोलैबोरेशन को दूर किया जा रहा है। बट अभी जो प्रॉब्लम अभी रिसेंटली ये कोरोना की चल रही है, इसके लिए आपको कोलैबोरेशन की जरूरत है। तो कोलैबोरेशन इज द आंसर फॉर द प्रॉब्लम। तो कोरोना के लिए सभी कंट्रीज को कोलैबोरेट करने की जरूरत है। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए द आर्टिकल सेज जो प्रॉब्लम है उसकी कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है, ठीक है। साथ साथ इसका इंपैक्ट कहां देखने को मिला है कि कैसे जो है कोरोना ने पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को इंपैक्ट किया है। तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस को बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है, क्योंकि ग्लोबल वैल्यू चेन्स पूरे वर्ल्ड की डिसरप्ट हो गई हैं। और इसके साथ साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है, डिमांड शॉक। डिमांड शॉक क्या है कि डिमांड इंक्रीज हो रही है बट आपके पास प्रोडक्ट नहीं है उसको पूरा करने के लिए, तो सप्लाई रुकी पड़ी है, सप्लाई रुकी पड़ी है। और सप्लाई क्यों रुकी पड़ी है, क्योंकि रॉ मटेरियल चाइना से आता है और चाइना भी पूरी तरीके से ब्लॉक किया हुआ है, चाइना पूरा तरीके से बंद है अभी। तो कैसे जो है ये आपका हेल्थ क्राइसिस एक इकोनॉमिक क्राइसिस को बढ़ा रहा है, और जब इकोनॉमिक क्राइसिस होगा तब अनएम्प्लॉयमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो जो हेल्थ पैरामीटर्स हैं वो फिर डाउन हो जाएंगे। हेल्थ पैरामीटर्स डाउन हो जाएंगे तो कोरोना जैसे अटैक और ज़्यादा हावी हो जाएंगे। तो एक स्पायरल है ये, एक साइकिल है ये। तो ये प्रॉब्लम है जो हमें समझनी है अभी। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, वर्ल्ड ओवर क्या डायरेक्शन होनी चाहिए। जो रीसेंट ट्रेंड है अगर हम उसे देखें तो अभी वर्चुअली देर इज नो कोऑर्डिनेशन एट इंटरनेशनल लेवल। यूएन इज साइलेंट
WHO गाइडलाइंस दे रहा है बट उसकी भी लिमिटेशंस हैं। मेन तो गवर्नमेंट्स को ही साथ आके कुछ करना है, और जो दो बड़ी पावर्स हैं चाइना और US, वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं इस प्रॉब्लम के लिए। तो ये ब्लेम गेम जो है ये इरप्ट हो गया है चाइना और US के अंदर। अब ऐसी सिचुएशन को सॉल्व कैसे किया जा सकता है कि आप ये पैरोकियल इंटरेस्ट को अंडरमाइन करके एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करें, ठीक है? इंटरनेशनलिज्म की यहां पे जरूरत है कि कैसे सभी कंट्रीज साथ मिलके जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और जो गवर्नेंस की प्रोसेसेस हैं उनको भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि एक कोई प्रॉब्लम आती है, जब आप उसको यूनिफाइड तरीके से डील करते हो तो रिसोर्सेज आप शेयर करते हो, ह्यूमन रिसोर्स शेयर होता है, ह्यूमन माइंड, टेक्नोलॉजी, फंड्स, फाइनेंसेस, सब कुछ जो है शेयर होता है, तो प्रॉब्लम जो है वो घट जाती है। तो इसी चीज को हमें आगे लेके जाना है, और इसीलिए मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। द अदर मोर डिप्रेसिंग कॉन्सिक्वेंसेज मे बी दैट, अच्छा अब कोरोना के कुछ डिप्रेसिंग कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं कि कैसे जो है ये गवर्नमेंट्स को और परसुएड करे कि वो अपने आसपास वॉल्स बना लें, कंट्रीज अपने आसपास वॉल्स बना लें, और जो मल्टीलेटरलिज्म है उसको कंट्रीज एग्जिट करने लग जाएं। तो कोरोना के ये भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। साथ साथ हमें ये पता लगता है कि यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस दे आर ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड, तो ये फर्दर जो है मार्जिनलाइजेशन जो है वर्ल्ड गवर्नेंस बॉडीज का वो बढ़ सकता है, और एंटी ग्लोबलाइजेशन के सेंटिमेंट्स को बढ़ावा मिल सकता है। तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए एक कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत है टू स्टेम दिस थ्रू अ रीअफर्मेशन ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, कि कैसे दोबारा हम मल्टीलेटरलिज्म को रिवाइव करें। और इसका एक एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिला है कि G20 जब बनाया गया था तो वो इकोनॉमिक क्राइसिस 2008 में जो आया था तब बनाया गया था G20 समिट, ठीक है? अब इसका मेन बेनिफिट क्या हुआ कि वर्ल्ड ने जो इकोनॉमिक क्राइसिस था 2008 का उसको कलेक्टिव एफर्ट के साथ हमने उसको डील किया, और इकोनॉमीज जो है वो रिवाइव होनी स्टार्ट हो गई थी। अब यहाँ पे एक और बात कही जा रही है कि इंडिया कैन प्ले अ लीड रोल, इंडिया इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और हम लोग जो हैं इंटरनेशनल एक्टिविज्म को प्रमोट करते हैं, हमारे ट्रेडिशंस ऐसे रहे हैं, तो इंडिया कैन प्रमोट रूल बेस्ड मल्टीलेटरलिज्म। इंडिया ऐसा कर सकता है और इंडिया को करना भी चाहिए। अब यहाँ पे एक और इन्होंने मेंशन किया है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो विजन है विच सेज दैट वी ऑल शुड कोलैबोरेट टू क्रिएट, तो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको डील करने के लिए द होल वर्ल्ड शुड कोलैबोरेट टू क्रिएट, तो ये उन्होंने सजेस्ट किया है, और यही आप यूज कर सकते हो अपने आंसर के अंदर। फिर उन्होंने एक कुछ कंसर्न्स भी रेज किए इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा कि वी आर इंटरकनेक्टेड, इंटर रिलेटेड एंड ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वी आर नॉट एबल टू कम ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म और फ्रेम अ ग्लोबल एजेंडा, अ ग्लोबल गोल ऑफ हाउ टू ओवरकम द वर्ल्ड पॉवर्टी, टू एंड टेररिज्म, टू हैंडल क्लाइमेट चेंज इश्यूज, कि इतने सारे ग्लोबल इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बट सारे कंट्रीज एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे अभी तक आ ही नहीं सके हैं इस इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम जो है हाईलाइट की है इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने। साथ साथ इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बोला कि अभी जो इंडिया की प्रेजेंट फॉरेन पॉलिसी चल रही है, इंडिया इज परस्यूइंग द पॉलिसी ऑफ सीकिंग फ्रेंडशिप विद ऑल कंट्रीज, इंडिया सभी कंट्रीज के साथ फ्रेंडशिप कर रहा है, विच इज इन कंट्रास्ट विद अर्लियर पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो ऐसा इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि पहले हम नॉन अलाइनमेंट की तरफ चलते थे और सबसे इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके चलते थे, सबसे दूरी मेंटेन करके चलते थे सभी कंट्रीज के साथ, नाउ
वी आर फ्रेंड्स विद एवरीवन, सबके साथ हमारी फ्रेंडशिप बराबर की है, जैसे देखा जाए तो ईरान और सऊदी अरब, ओके ईरान और सऊदी अरब खुद एनिमीज हैं बट इंडिया के साथ उनकी फ्रेंडशिप एकदम बराबर की है। यूएस और रशिया, इंडिया डिफेंस टेक्नोलॉजी अब यूएस और रशिया दोनों से ही खरीद रहा है, तो कैसे हम जो हैं इक्वल फ्रेंड्स हैं सबके, हम इक्वली डिस्टेंट अपने आप को नहीं रख रहे, हम लोग सबके साथ एंगेज कर रहे हैं, तो ये एक एक पॉजिटिव चीज़ है। पहले लोग न्यूट्रल थे बाय क्रिएटिंग इक्वल डिस्टेंस, नाउ वी आर न्यूट्रल बाय क्रिएटिंग इक्वल फ्रेंडशिप, तो ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है और आप इसको अपने आंसर के अंदर एज इट इज यूज कर सकते हो। साथ साथ उन्होंने ये सजेस्ट किया कि कैसे इंडिया जो है एक लीडरशिप प्रोवाइड कर सकता है COVID-19 के अगेंस्ट, एक कैसे इंटरनेशनल स्टेज पे इंडिया रोल प्ले कर सकता है, और यही हमें सजेस्ट करना है कि इंडिया शुड रिवाइव इंटरनेशनल इनिशिएटिव, इंडिया शुड टेक इंटरनेशनल इनिशिएटिव, और इसके लिए इंटरनेशनल बॉडीज को रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है। अब अगर ऐसी बात है तो यूनाइटेड नेशन बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो इफ़ वन हैज़ टू लुक फॉर अ सिंगल प्लेटफॉर्म देन रिवाइवल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस पर सभी कंट्रीज साथ साथ हैं, तो इंडिया को यूनाइटेड नेशंस की जो पूरा सिस्टम बना हुआ है उसको रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। तो ऐसा इन्होंने क्यों सजेस्ट किया, क्योंकि रिसेंटली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर जो UN के सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने कुछ कमेंट किया था, वो इंडिया के अगेंस्ट जा रहा था, इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा था, तो इसलिए इंडिया थोड़ा नाराज़ था, इंडियन गवर्नमेंट थोड़ी नाराज़ थी यूनाइटेड नेशंस से, लेकिन हमें यूनाइटेड नेशंस को रिस्पेक्ट देना है, ये बहुत ज़रूरी है अगर हम पूरे वर्ल्ड को जॉइंट तरीके से एक कम्बाइंड एफर्ट के साथ यूनाइट करके कोरोना के लिए फाइट करना चाहते हैं तो, एंड दैट शुड बी इंडियाज एजेंडा, रिफॉर्म्ड एंड स्ट्रेंथन्ड यूनाइटेड नेशन शुड बी ऑन इंडियाज एजेंडा, ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब पुलिस रिफॉर्म के ऊपर जो है ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, तो आरके राघवन ये CBI के पहले डायरेक्टर रह चुके हैं, तो उन्होंने ये आर्टिकल पब्लिश किया है। अब पुलिसिंग के अंदर, लॉ एनफोर्समेंट के अंदर टेक्नोलॉजी का यूज़ करना वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पुलिस जो है सिर्फ पीस को मेंटेन नहीं करेगी, वो क्राइम प्रिवेंशन और डिटेक्शन की तरफ भी ध्यान देगी, कि मेंटेनिंग पीस इज नॉट द ओनली थिंग, क्राइम प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड इन दैट सॉल्विंग अ क्राइम इज इम्पॉर्टेंट। अब ऐसा माना जाता है कि क्राइम को सॉल्व करना ज़्यादा आसान है क्योंकि घटना घट चुकी है, बट घटना को घटने से पहले रोक लेना, कि क्राइम को जब क्राइम कमिट होने वाला है उससे पहले ही डिटेक्ट करके रोक लेना, तो वो चैलेंजिंग काम होता है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि पुलिस ऐसा करेगी, लेकिन रीसेंट जो ट्रेंड है वो ये कह रहा है कि क्राइम डिटेक्शन कि दैट द पुलिस इन मोस्ट नेशन हैव लॉस्ट पब्लिक कॉन्फिडेंस, कि पुलिस जो है क्राइम डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, ऐसा सेंटिमेंट बना हुआ है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो लोग विश्वास नहीं करते। और अगर हम केस सॉल्विंग रेट्स को देखें तो वो भी 30-40% सक्सेस रेट है, विच इज़ क्वाइट लेस, 30-40% सक्सेस रेट होता है केस सोल्व हो पाते हैं, अब यही प्रॉब्लम है। लेकिन इसके साथ साथ एक पैराडॉक्स भी सामने आया है कि कैसे जो है एक पैराडॉक्स भी हमें देखने को मिला है, वो पैराडॉक्स क्या है कि सिटीजन एक पॉइंट पे तो कहता है कि क्राइम को सोल्व करना है, ओके कि भी कैसे जो है आप क्राइम को, सोफिस्टिकेटेड क्राइम है, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है जिसके अंदर, उस क्राइम को हम कैसे सोल्व करें, यह सिटीजन की डिमांड है। दूसरा, अगर कोई इनिशिएटिव लिया जाता है, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है पुलिस की तरफ से, तो सिटीजन ये कहता है कि दैट इज थ्रेट टू इंडिविजुअल राइट्स एंड प्राइवेसी, तो फिर इंडिविजुअल राइट्स और प्राइवेसी का उसके अंदर एंगल आ जाता है। अब ये डिबेट काफी अजीब है, इसीलिए ये पैराडॉक्स है
कि कैसे एक तरफ सिटीजन को चाहिए सेफ्टी, दूसरी तरफ प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल राइट्स एंड प्रिवेसी। और वो कहता है कि अगर पुलिस कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करती है तो दैट गोज अगेंस्ट द इंडिविजुअल राइट एंड प्रिवेसी, तो फिर प्रोटेस्ट होते हैं उसके अगेंस्ट। अब इसी के अंदर एक चीज सामने आई थी, जो डिबेट थी वो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के ऊपर थी। इंडियन पार्लियामेंट के अंदर भी ये डिबेट आई थी अभी रिसेंटली। दिल्ली पुलिस, ठीक है, जो राइट्स हुए थे उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन के लिए सॉफ्टवेयर का यूज कर रही है। तब कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये पॉइंट उठाया था कि कुछ सिंगल कम्युनिटी को टारगेट किया जाएगा इसके थ्रू, तो वो प्रॉब्लम वाली चीज है। अब हमें पूरा समझना है इसके अंदर कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो है इसके काफी बेनिफिट्स हो सकते हैं, और कैसे ये जो है क्राइम को दूर कर सकता है। लेकिन देखा ऐसे गया है कि इसके अंदर कुछ कंसर्न सामने रेज किए गए हैं, जैसे द सॉफ्टवेयर डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द माइनॉरिटीज एंड एथनिक ग्रुप्स, स्पेशली ब्लैक्स एंड नॉन वाइट्स। तो ये यूएस के अंदर ये स्टडी सामने आई है। साथ साथ जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि उनको ज्यादा बार रोका जाता है और फ्रिस्क किया जाता है, तो इस तरीके की चीज नहीं होनी चाहिए। साथ साथ एक और पॉइंट इसमें रेज किया गया है कि दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ कैप्चरिंग फेसेस विदाउट एनी कंसेंट। आप किसी से कंसेंट ले ही नहीं रहे हो, तो दिस इज पुलिसिंग विदाउट कंसेंट, तो ये नुकसान है इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर, ऐसे बोला जाता है। साथ एक ये प्रॉब्लम है कि एरर हो सकता है, तो मिस आइडेंटिफिकेशन का चांस है, और ऐसा देखने को मिला है कि कुछ कम्युनिटी जो है वो ज्यादा मिस आइडेंटिफाई हो रही हैं, तो इसके एल्गोरिदम को चेक करने की जरूरत है। सॉफ्टवेयर के एल्गोरिदम को हमें देखना है कि क्यों जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ज्यादा आइडेंटिफाई हो रही है, उनके ही क्यों मिस आइडेंटिफिकेशन ज्यादा निकल के आ रहे हैं। अब इसको हम आगे देखते हैं कि ये प्रॉब्लम तो है लेकिन हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कैसे? आप ट्रेनिंग को और अच्छा कर दीजिए। द एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय रेगुलर ट्रेनिंग, तो रेगुलर ट्रेनिंग के थ्रू आप इन एरर्स को और कम कर सकते हो। और जो लोग प्रिवेसी की बात करते हैं, तो ये आर्टिकल ये कहता है कि दे आर ऑलरेडी ऑन इंटरनेट, मतलब हम अपने फेस को ऑनलाइन डालते हैं, हमारी फेसबुक प्रोफाइल होती है, हमारी व्हाट्सएप प्रोफाइल होती है, तो हम ऑलरेडी जो है हम प्राइवेसी जो है डिस्क्लोज कर देते हैं। तो हमें जो है ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर पुलिस जो है फेस स्कैन कर रही है तो ये कोई आपकी प्राइवेसी को इन्फ्रिंज कर रहा है, तो ये रिक्वायरमेंट है अभी तक। अगर हमें क्राइम को घटाना है तो इस तरीके की चीजें करनी पड़ेंगी, क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करना बहुत जरूरी है। तो साथ में आर्टिकल ने ऐसे इन्होंने कंक्लूड किया है कि जैसे डीएनए टेस्टिंग ने क्राइम जो सोल्व करने की जो पेस है उसको बढ़ा दिया है, वैसे ही फेस डिटेक्शन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो ये हमें जरूरत है अभी। हाँ, जो प्रॉब्लम्स हैं हमें वो एड्रेस भी करनी है, तो इसलिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। चूजिंग द जेंडर गैप इन साइंस, तो जेंडर गैप से रिलेटेड जो है ये आर्टिकल है। अब प्रीलिम्स 2017 के अंदर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। अब इस आर्टिकल के अंदर भी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मेंशन है, तो हम अगर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट इज रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये तो हमने देख लिया और ये दिस इज करेक्ट। एज पर द लेटेस्ट रिलीज ऑफ रिपोर्ट 2020, इंडिया हैज इंप्रूव्ड इट्स रैंकिंग फ्रॉम 112th टू 108th। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि इंडिया की रैंकिंग 108th पहले थी जो कि अब 112th हो गई है, तो हमारी रैंकिंग जो है वो गिरी है, डाउन हो गई है, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है एंड ए इज द राइट आंसर।
अब ये डिटेल हमें इस आर्टिकल में मिलती है, और इस आर्टिकल का हम यूज़ कहाँ करेंगे? बेसिकली अगर वुमन के ऊपर कोई एस्से आता है तो उस एस्से के लिए हम इस आर्टिकल में दी गई इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो द आर्टिकल सेज कि हम नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं किस लिए, कि 28 फरवरी को सीवी रमन साहब ने स्कैटरिंग ऑफ लाइट को डिस्कवर किया था, ओके? और इस साल की जो थीम थी वो थी वुमेन इन साइंस, तो जो इस साल की थीम थी आपको वो भी याद रखनी है। अब कुछ चीजें इसमें बताई हैं इस आर्टिकल में कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी कि कैसे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन पहले जो है साइंस के अंदर कम था, तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम ये बता गई कि कैसे जो है कल्चरल और जेंडर नॉर्म्स जो थे दैट वर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब उनमें डिस्क्रिमिनेशन था, मतलब डिस्क्रिमिनेटिंग थे, वो वुमेन के अगेंस्ट जाते थे। और इंडिया के अंदर जब रेनेसा आ रहा था, इंडिया जब मॉडर्नाइज हो रहा था, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस ऑल्सो जो पूरा ये जो एनवायरनमेंट था वो मतलब डिस्क्रिमिनेशन का ही था वुमेन के अगेंस्ट। फिर आर्टिकल में ये भी बताया कि हमारे नेशनलिज्म का जो, हमारी नेशनल स्ट्रगल का जो, फ्रीडम स्ट्रगल जो हो रही थी उसके अंदर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू सबने जो है वुमेन को एनकरेज किया, ठीक है? वुमेन पार्टिसिपेशन डिसेंट था, तो अपर स्ट्रेटा की जो वुमेन थी उन्होंने काफी पार्टिसिपेट किया इसके अंदर, वो जो कल्चरल बैरियर्स थे उनको तोड़ के आगे बढ़ी थी, ठीक है? लेकिन फिर भी रिप्रेजेंटेशन वुमेन का साइंस के अंदर कम ही था जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तब भी। तो उसके अंदर कुछ और फैक्टर्स भी जिम्मेदार हैं कि कल्चरल और सोशल कॉजेज, कल्चरल और सोशल कॉजेज तो सिर्फ एक पार्ट हैं, ओके? ये तो थे ही थे, साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमें वुमेन लीडर्स मिली ही नहीं जो कि लीडरशिप पोजीशन पे जाके बैठती, जो कि बाकी वुमेन के लिए रोल मॉडल बनती। इनिशियली वुमेन लीडरशिप नहीं थी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर था। लेकिन प्रेजेंट अगर हम सिनेरियो को देखें तो इंडियन वुमेन जो है अब काफी आगे आ गई हैं, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको हेड वुमेन कर रही हैं। तो अगर हम प्री इंडिपेंडेंस डेज से कंपेयर करें तो पोजीशन काफी इंप्रूव हुई है, और रीसेंट ट्रेंड को देखें तो वुमेन पार्टिसिपेशन काफी बढ़ गया है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में और ग्रेजुएट लेवल के अंदर। और ऐसा भी एक स्टडी ने फाइंड किया है कि पीएचडी होल्डर्स, मतलब मोर देन 40% ऑफ द पीएचडी होल्डर्स आर वुमेन। तो ये एक काफी अच्छी डेवलपमेंट है जो हमें, हमारे जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसको और डाइवर्सिफाई कर सकती है, उसको और आगे लेके जा सकती है, और इंडिया साइंस में और आगे जा सकता है। अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो वुमेन को रोकती हैं आगे बढ़ने से, तो ये प्रॉब्लम्स किस टाइप की हैं? जैसे फैमिली का प्रेशर, ओके? तो जो फैमिलियल प्रेशर है वो वुमेन को आगे बढ़ने से रोकता है। वो मतलब बेसिकली ऐसा ड्रॉप रेट देखा गया है कि 20% से कम ही मतलब टीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, फीमेल टीचर्स भी काफी कम होंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हेड करने के लिए भी फीमेल जो बॉस होंगी वो भी काफी कम होंगी। क्यों? क्योंकि फिल्टर आउट हो जाता है, मदरहुड का आ जाता है, उनको मदरहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको संभालनी पड़ती है, फैमिली प्रेशर होता है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो हैं वो वुमेन को झेलनी पड़ती हैं। अब वुमेन पार्टिसिपेशन साइंस के अंदर बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिर्फ ह्यूमन राइट्स ही नहीं, ठीक है, बाकी पर्सपेक्टिव को देखें, हमें टैलेंट चाहिए, तो टैलेंट का कोई जेंडर नहीं होता, तो वुमेन और मेल, मेल और फीमेल दोनों ही जो हैं इक्वली टैलेंटेड हो सकते हैं, तो इसलिए वुमेन पार्टिसिपेशन जरूरी है क्योंकि आपको और ज्यादा टैलेंट चाहिए। अभी रिसेंटली जब हम ट्रेंड देखते हैं जैसे इसरो, इसरो के अंदर वुमेन का काफी रोल था, वुमेन लीडरशिप का, वुमेन साइंटिस्ट का, स्पेशली चंद्रयान 2 में,
तो जो रोल उन्होंने वहां प्ले किया था वो काफी इंपॉर्टेंट था और उसकी सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि दे विल प्रोवाइड द लीडरशिप, दे विल बिकम द रोल मॉडल फॉर द होल कंट्री। तो ये काफी अच्छी डेवलपमेंट है। और रिसेंटली जो जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट है उसकी डेवलपमेंट्स मैंने आपको बता दी कि इंडिया की जो पोजीशन है वो अब गिर गई है। और रिपोर्ट ने फर्दर सजेस्ट किया है कि इट विल टेक 100 ईयर्स, तो जो गैप है इसको फुल कंप्लीट करने के लिए इंडिया विल टेक अनदर 100 ईयर्स टू फिल दिस गैप। तो ये बात हमें समझनी है, इसके अंदर भी 100 साल ऐसा और ऐसे और लग जाएंगे इस गैप को फिल करने के लिए, ये बहुत ज़्यादा टाइम है। इसलिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें और ज़्यादा काम करना है जेंडर गैप को रिड्यूस करने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए। तो इसके साथ साथ कुछ पर्सनैलिटीज के बारे में भी ये आर्टिकल हमें बताता है जो कंटेम्प्रेरी टाइम में काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। तो इन पर्सनैलिटीज़ का यूज़ आप अपने एस्से के अंदर ज़रूर कर सकते हो, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आई होप दिस सेशन इज़ हेल्पफुल फॉर यू गाइज। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आर क्रैश कोर्स ऑन एडोरेव। थैंक यू।